कोरोना काल में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने सूबे में तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं सीएम योगी ने उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का कहना है कि पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 25 जुलाई से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि साल 2020 की तरह इस साल भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है। वहीं इससे पहले कुंभ के आयोजन से सरकार की चारों तरफ किरकिरी हुई थी और देश में दूसरी लहर का जिम्मेदार भी उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ आयोजन को ठहराया गया था। कुंभ में लाखों फर्जी कोविड टेस्ट की अभी जांच चल रही है। इससे पहले खबर थी कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। वह जल्दी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कांवड़ यात्रा शुरू करने पर फैसला कर सकते हैं। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा को लेकर आगे क्या फैसला लेते हैं या अभी भी तय नहीं हुआ है। वही हो सकता है कि कुंभ के दौरान तत्कालीन सरकार की फजीहत को देखते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा को स्थगित करने पर विचार कर चुके हों। अभी कहना जल्दबाजी है क्योंकि नए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले ले रहे हैं। ऐसे में 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए उनका क्या प्लान होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के डीजीपी ने यह तस्वीरें साफ कर दी हैं कि सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने में काफी दिन बचा है। ऐसे में सरकार क्या अपने विचार बदलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी उपाय किए जाएं, क्योंकि पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। इसीलिए अब की बार श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और पूरी तैयारी के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज़।